हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम बात करने वाले हैं जो आपके बीडीओ की भर्ती आई 2018 वाली उसके लिए, और साथ में जो आपकी बीपीओ की नई भर्ती आई है आपकी 2023 वाली उसके लिए, कि उसके ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मान्य होंगे नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था, तो उसी के बारे में इस वीडियो में आपका बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीडीओ री एग्ज़ाम जो आपका 26-27 जून को होने वाला है, अगर आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ है। अगर आप करंट अफेयर के पीडीएफ नोट चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर देखिए इतना समय आपके पास नहीं है कि आप किसी बुक से पढ़ें और साथ में उसका उसकी रिवीजन करें बार बार, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपके लिए 90 पेज का करंट अफेयर का नोट्स तैयार किया है। उसमें क्या, जितने भी आपके करंट अफेयर घटनाएं, चाहे आपका यूपीजी के हो, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक घटनाक्रम, यानी सब कुछ उसमें मैंने आपके लिए कवर कराया है, ठीक है। अगर देखिए 90 पेज का पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हो, तो दोस्तों इस नंबर पर 7042 6542 इस नंबर पर दोस्तों 50 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और साथ ही अब पेमेंट करने के बाद आपको इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना पेमेंट का, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको जो पीडीएफ है इसकी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब दोस्तों आप सोचोगे 50 रुपये ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा अगर आप मार्केट में जाओगे तो कोई भी मैगजीन आपको 100-125 रुपये से कम में आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, ठीक है। और इतना दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि अगर मान लो आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो आपको हमारे पीडीएफ से एग्जाम में मिल जाएंगे। तो यानी कि अगर आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हो, और अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा अभी तक, तो हमारे नोट्स आप ले सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें ट्रिपल सी को लेकर। तो दोस्तों पहले अगर मैं बात करूँ आपका बीडीओ 2018 भर्ती के लिए, तो दोस्तों आपको पता होगा इसमें आपकी 3 टाइप की आपकी पोस्ट आई थी। एक आपकी आई थी ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि बीपीओ, एक दोस्तों आपकी आई थी बीडीओ यानी ग्राम विकास अधिकारी, और एक दोस्तों आई थी आपकी समाज कल्याण पर्यवेक्षक यानी कि एसकेपी की। तो दोस्तों अगर हम बात करें बीपीओ के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर जिस इस पोस्ट के लिए मात्र आपका ओनली ट्रिपल सी अलाउ होगा, ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ समझनी होगी आपको। और बात करें बीडीओ के लिए, तो दोस्तों इसके लिए या तो आपका ट्रिपल सी हो या इसके सॉरी या इसके इक्विवेलेंट हो, ये दोनों ही सर्टिफिकेट आपके मान्य होंगे। ऐसे ही आपका एसकेपी में है, या ट्रिपल सी हो या इसके आपके इक्विवेलेंट हो। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर सवाल आता है इक्विवेलेंट का, तो इक्विवेलेंट में कौन कौन से कोर्स आपके मान्य होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इक्विवेलेंट की, तो दोस्तों या तो आपने 10th में या 12th में या बीटेक में, यानी कि आप ये मांग चलिए कि आपने किसी भी मतलब किसी भी ग्रेजुएशन में आपने 10th 12th में कम से कम 6 महीने आपने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो, एज ए सब्जेक्ट, और साथ ही जो उसके मार्क्स हैं वो आपके ऐड हुए हों सेमेस्टर के, ठीक है, जिसमें आपने कंप्यूटर पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, ट्रिपल सी हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो कंप्यूटर का, वो आपने पढ़ा हो कम से कम 6 महीने का। लेकिन एक चीज़ ध्यान देनी है, जहाँ से भी आपने कोर्स किया है वो आपका सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, ये बात हो गई। अब दोस्तों बात आती है ट्रिपल सी की, कि ट्रिपल सी कब तक का मान्य होगा। तो दोस्तों मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि बीडीओ एग्जाम के फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट थी वो दोस्तों थी आपकी 25 जून 2018, ठीक है, और इसकी फ़ीस जमा करने की डेट थी आपकी 29 जून 2018। यानी आप कह सकते हो कि आपका जो ट्रिपल सी है वो आपके पास 29 जून 2018 तक का होना चाहिए। अगर उसके बाद का है तो वो आपका मान्य नहीं होगा, उसके पहले का तो मान्य होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बच्चों से एक सवाल और आता है कि आपको याद होगा जब इसका रिजल्ट आया था वो 25 जून 2018 रिजल्ट आया था ट्रिपल सी का, जिसका एग्जाम आपका जून में हुआ था, और रिजल्ट केवल इसीलिए जारी किया गया था कि जिससे कि आप बीडीओ का फॉर्म भर पाओ, क्योंकि जून में एग्जाम हुआ था। वैसे इसका 40-45 दिन में रिजल्ट आता था, लेकिन फिर आपका 15 दिन में यह रिजल्ट आ गया था इसका, ठीक है। अब देखिए आपने फॉर्म तो सब भर दिया था, लेकिन रिजल्ट आपका 25 जून को आया था। अब बच्चों का सवाल ये है कि उसमें जो इश्यू डेट है वो आपका दिखा रहा है अगस्त का। तो दोस्तों उससे आपको घबराने की बात नहीं है, आपके पास देखिए 25 जून तक का अगर आपका रिजल्ट आ गया तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो मैंने आपको पहले बताया कि जब आपका एग्ज़ाम होगा, तो एग्जाम में जब आपका डीबी होता है, तो या तो आपका उसका सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है रिजल्ट उसका, ठीक है, नहीं हो तो अब आयोग जाकर या जहाँ से आपने ट्रिपल सी किया है उसके आयोग जाकर वहाँ से आपको निकल जाएगी कॉपी, मिल जाएगी, उसको आप दिखा सकते हो, तो उसको आपको प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तो बात होगी इसकी, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये डाउट जो था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक सवाल यहाँ बच्चों का और आता है कि सर हमारे पास ट्रिपल सी नहीं था, हमारे पास ट्रिपल सी का इक्विवेलेंट था, लेकिन हमने जो पहली पोस्ट प्रेफरेंस भरी है वो आपकी बीपीओ भरी है, तो हमारा क्या होगा। तो दोस्तों उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है आपको, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो जब आपका डीबी होने वाला होगा, तो डीबी से पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस अपने चेंज करने का मौका दिया जाएगा, जिसमें आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस जो आपको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिपल सी नहीं है उस समय, ट्रिपल सी इक्विवेलेंट है,
तो BDO या SKP को अपना पहले दो पोस्ट प्रेफरेंस रखिए, तीसरे रखिए आप BPO को, ठीक है। ये बात होगी आपकी 18-18 वाली। और आप दोस्तों बात करते हैं जो नई भर्ती आपकी आई है BPO की 2023 में, जो पेड 2022 से आई है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी आपके पास ओनली CCC आपका मान्य होगा, CCC के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इसमें भी आपके मान्य नहीं होने वाले हैं। तो यानी दोस्तों मैं पहले से आपसे बोलता आया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अब तो लगभग सारे बच्चों के पास CCC आपका होगा, ठीक है। अगर आप 4-5 साल से तैयारी कर रहे हो तो CCC तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपको मांगा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों जो अगली एक भर्ती आपकी और आने वाली है, वो आने वाली है BDO की। हो सकता है पेड 2022 से आए, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कन्फर्म नहीं है। अब देखिए दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है, संभावना थोड़ी लग रही है कि ये भर्ती आपकी फंस सकती है, यानी हो सकता है कि पेड 2022 से ना आकर पेड 2023 से भर्ती देखने को मिले। लेकिन दोस्तों इसमें मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ इसमें क्या होगा। इसमें देखिए, अगर आपके पास 12th में साइंस है तभी इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, साइंस है या आपने एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है, ठीक है। और हो सकता है इसमें आपका फिजिकल भी देखने को मिले, या तो रनिंग हो या आपकी साइकिलिंग, अभी कन्फर्म नहीं क्या होगा, लेकिन इतनी संभावना है। तो दोस्तों इसके लिए देखिए, इसके लिए आपका CCC या इसके इक्विपमेंट चल जाएगा, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों बोलूँगा, अगर अभी तक आपका CCC नहीं है तो आप CCC कर लेंगे, बहुत सारी भर्ती में आपका CCC काम आता है। तो यही दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।